मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में लगातार लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। पहले ही बारिश में जगह जगह केबल जल गए और कई जगह शहर में बिजली भी गायब रही। यहां तक कि वायर जलने पर टोरेंट के टेक्नीशियन बनाने आते थे मगर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, बना कर जाते हैं और दूसरे ही दिन ख़राब हो जाता है। मुमरा शहर की स्ट्रीट लाइट भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। शहर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 6 से 7 घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली की परेशानी पर जब मंत्री जितेंद्र आभार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस न होने की वजह से ये तकलीफ हो रही है। टोरेंट लॉकडाउन में मेंटेनेंस नहीं कर पाई है और साथ ही ये भी कहा कि टोरेंट हमारे कार्यकाल में नहीं बीजेपी के कार्यकाल में आया है। टोरेंट के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री जितेंद्र आभार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरे को टोरेंट का काम किसने किया? हमने नहीं किया। बीजेपी जब सत्ता में थी, बीजेपी ने उनको वर्ल्ड कॉर्डर दे के रखी थी, उनसे 600 करोड़ रुपया लेके रखी थी गवर्नमेंट में। हम उसको कैंसिल नहीं कर पाए, नहीं तो हमको उनको 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ता। बात ऐसी है कि लॉकडाउन के वजह से वो मेंटेनेंस जो होता है वो कर दी। मेंटेनेंस न करने की वजह से आज बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही। कल से जब लॉकडाउन खुलेगा लेबर आएंगे, उसके बाद मेरी उनकी बहुत तनातनी हुई। मैंने बोला मैं आमदार हूँ लेकिन मुझे शहर से ज़्यादा लगाव है। मोर्चा हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस निकाले तो उन्होंने बोला कल से मेंटेनेंस शुरू कर दे, और मेंटेनेंस शुरू करके फिर जैसे हर साल मार्च अप्रैल मई में हम लोग मेंटेनेंस कर दे। ये साल चांस ही नहीं मिला मेंटेनेंस का, क्यों तो भारी नहीं आया कोई। अभी लेबर आएगा, लेबर की कितनी दिक्कतें आने वाली अभी वक्त बताएगा। जैसे रिक्शा वाले आधे तो घर चले गए, जितने बेचारे हमारे उत्तर भारत के भाई थे सब गांव चले गए, गरीब बिहारी थे वो चले गए। तो अभी ये दिक्कतें लेबर की आएंगी, लेकिन मैंने कल उनको बोला है कि भाई ये दिक्कतों को पार करके तुमको मेंटेनेंस करके शहर को संभालना पड़ेगा, और 8-10 दिन में ये पूरी समस्या हमारे जा। यानी मेरा ख्याल ये है कि अगर वो सही तरीके से मेंटेनेंस करेंगे तो भिवंडी में लाइट जाती है, किसको मालूम है भिवंडी में लाइट जाती नहीं जाती है। यही से ही हाल वहाँ पर, भिवंडी में तो जो लास्ट टाइम वो फ्लड आया था अभी लास्ट ईयर, तो वहाँ 1 मिनट को भी लाइट नहीं गई थी। जब नहीं, वैसे ही हाल हमारे इधर रहेंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से नहीं कुछ कर पाए तो क्या करें। नहीं, प्री मानसून ने मेंटेनेंस वर्क ही नहीं हो पाए। उनका जो प्लानिंग है कि फीडर बढ़ाने का, ट्रांसफार्मर बढ़ाने का, उन्होंने लिया और कोविड शुरू हो गया। तो करे क्या उन्हें? मेरे को गाली देने में बहुत आसान है, ये तेरी माँ, लेकिन क्या और उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ? जो बोलते साहब लॉकडाउन में कोई काम करने को ही तैयार नहीं था। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।